कादर खान हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नया हीरो रहे जिसकी चमक सदियों तक बरकरार रहेगी। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिनेमा को दिया उनका योगदान उनकी यादगार फिल्मों के रूप में हमेशा मौजूद रहेगा। कादर खान न सिर्फ एक अच्छे एक्टर थे बल्कि बेहतरीन डायलॉग राइटर और कॉमेडियन भी थे। 22 अक्टूबर को उनके बर्थ एनिवर्सरी है। कादर खान का जन्म वैसे तो अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था, लेकिन जीविका चलाने के लिए उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। हालांकि यहां उन्हें गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। मुंबई में कादर खान और उनके परिवार को एक गंदी बस्ती में रहना पड़ा। गरीबी इतनी थी कि खाने तक के लाले पड़ गए थे। कई बार तो कादर खान को खाली पेट सोना पड़ता था। गरीबी और दुखों के चलते कादर खान ने स्कूल भी छोड़ दिया और स्लम में ही एक मिल में काम करने लगे, लेकिन उनकी माँ ने मनोबल बढ़ाया और पढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी का नतीजा था कि कादर खान बाद में इंजीनियर बन गए और मुंबई के कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाने लगे। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके माँ बाप अलग हो गए। इसके बाद तो जैसे कादर खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में उनकी माँ की जबरदस्ती दूसरी शादी करा दी गई। हालांकि कहीं न कहीं उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा जन्म से ही मौजूद था। वो कॉलेज में अक्सर नाटकों में भाग लिया करते थे। ऐसे ही एक नाटक में एक्टर दिलीप कुमार की नज़र कादर खान पर पड़ी। दिलीप नाटक में कादर खान की एक्टिंग से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। बस यहीं से उनकी किस्मत के दरवाजे खुल गए। कादर खान ने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 1000 से भी ज्यादा फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं। लेकिन उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा तब लगा जब 2018 में कादर खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो सुप्रानोक्लियर पाल्सी नाम की एक बीमारी से ग्रसित थे। उन्हें कनाडा में सुप्रदु एक खाक किया गया। अपनी बीमारी के चलते कई साल पहले कादर खान टोरंटो शिफ्ट हो गए थे। इस बीमारी के चलते कादर खान का चलना फिरना मुश्किल हो गया। 2015 से वो हमेशा से ही व्हीलचेयर पर रहने लगे। इतना ही नहीं, उनकी याददाश्त भी चली गई थी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।